अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशुमन, कुछ पता चला? नहीं पापा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। पता करने का जरूरत भी नहीं है। अच्छा है ना, भला कल गया। जब से वापस लौटा है सबके माथे का भार बन गया था बेचारा। भाभी क्या बोल रही हैं आप? ये कहा बोल रहे, मतलब कहा है देवर जी? हम तो बस अपना अंतरात्मा का आवाज सुन रहे हैं और वही आ रहा है हमारा जबान पे। अब देख लीजिए ना, जुगल जोड़ी लैला मजनू का साथ गया था, साथ वापस आया है। किसी को भी इस बात का परवाह नहीं है कि घर में भी एक को बीमार बच्चा है। और हम कहे थे ना, कहे थे हम कि फुलेरा दूध का व्रत तो कर लिया है, अब रास लीला मत करने लगना। लेकिन ना, हमारा बात कौन सुनता है यहाँ पे? बड़ी माँ, अंशुमन जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए नाना जी ने कहा एक रात सुल्तानगंज में ही रुक जाओ। अच्छा अच्छा, सबको बड़ा फिकर है बड़ के बउआ का ना? थोड़ा सा फिकर छोटके बउआ का भी कर लेती, लेकिन क्यों कर लेती? का फर्क पड़ता है, वो जिए या मर जाए? फर्क पड़ता है बड़ी माँ, मुझे भी और सुमन को भी। मानता हूँ कि रिश्तों ने नया रूप ले लिया है, लेकिन नंदन से हमारा रिश्ता आज भी वही है जो पहले था, और प्यार और भी गाढ़ा हो गया है। उसे खोना तो दूर, उसकी तकलीफ का सोचकर भी मन व्याकुल हो जाता है। हाँ हाँ, दिख रहा है हमको कौन कितना व्याकुल है किसके लिए। हेलो, क्या भेजिए, जल्दी भेजिए। क्या हुआ बाबूजी, बोलिए ना, क्या बात है? किसी अनजान आदमी का फोन था, कह रहा था नंदन उसे बेहोशी की हालत में मिला है। लेकिन दादाजी, नंदन है कहाँ? ये लोकेशन भेजा है उसने। विधाता ही का हो रहा है। बाबूजी बात क्या है? बाबूजी आपके माथे पर जो शिकन है ना, वो किसी और बात की ओर इशारा कर रही है। बोलिए बाबूजी, बात क्या है? दादाजी क्या बात है? बेटा, उस अनजान आदमी ने पूरे परिवार को साथ लेकर आने के लिए कहा है। दादाजी लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, अब आगे क्या करना है? करना क्या अंश, अंदर चलते, आगे कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन दादाजी एक ट्रैप भी तो हो सकता है ना, और पूरी फैमिली की जान को रिस्क में नहीं डाल सकते। एक काम कीजिए, आप सब गाड़ी में बैठिए, मैं जाके देखता हूँ। आप सब लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए, और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आइएगा।
हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। सुमन मैंने तुमसे कहा ना गाड़ी में बैठो। नहीं अंशुमन जी, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। सुमन क्यों उतरी थी चैन? इस लड़की को ना चैन नहीं है। सुमन कभी तो मेरी बात मान लिया करो। अंशुमन जी, अंशुमन जब बात मानने वाली ना हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। सुमन बिल्कुल ठीक कह रही, हम तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाने दे सकते। लेकिन दादाजी, पूरा परिवार साथ जाएगा और जो होगा पूरे परिवार के साथ होगा। आ जाओ मिथिलेश। हाँ, आया बाबू जी। आइए बाबू जी। नंदिनी सब आ जाओ बाहर। ओम त्र्यंबकम् यजामहेम सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकम् वंदनानम वित्तयोमुक्षीयामामृतः। ओम त्र्यंबकम् यजामहेम सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकम् वंदनानम वित्तयोमुक्षीयामामृतः। सरप्राइज सरप्राइज, वेलकम माय होल फैमिली, आप सबका स्वागत है। बेटा नंदन, ये क्या बचपना है? बेटा नंदन, तुम्हें पता है हम सब कितना डर गए थे बेटा, क्या है ये सब? सॉरी पापा, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो आए तो। अरे छोटके बउआ, ये सब तुम का कर रहे हो? सरप्राइज बड़ी ना, मेरे लौटने की खुशी में परिवार वालों ने कोई पार्टी दी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही राय बहादुर खानदान की तरफ से एक छोटी सी सरप्राइज से दी हूं। तो यहां सिर्फ हम सब ही नहीं, शहर के सारे दोस्त यार सबको बुलाया है मैं। वैसे आप सबको पता है कि आज है क्या? कम ऑन यार, कितना माहौल बनाया है मैंने, कभी भी आप सब के चेहरे पर सवाल है। अरे आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन, साथ का दिन, हम सफर का दिन, और अगर आज के दिन कमल एक साथ ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? और देखिए ना हम सब आज साथ हैं। नंदिनी माँ कहाँ है? नंदन, कहाँ चले गए थे बेटा, कहाँ चले गए थे? माँ जहां जाना था वहां से तो आ गया हूं ना वापस। मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन मत लीजिए आप, देखिए मैं सही सलामत हूँ। तो माँ अब आपका संकल्प पूरा हुआ, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए, क्योंकि मैंने सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी सरप्राइज पार्टी रखी है। ओके, पर पहले वादा करो अपनी माँ को ऐसे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाओगे, ऐसी शरारत कोई करता है क्या? बस अब आ जाइए जल्दी से, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके श्री कृष्णा गो। हे कान्हा जी, हे भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, हमारा नंदन बिल्कुल ठीक। हे
हे भगवान, सुमन का सिंहोरा, सुहाग की सबसे बड़ी निशानी का ऐसे गिर जाना, अब आप क्या संकेत देना चाहते हैं मोहन? पर्दा है पर्दा भाई, यहाँ क्या है पर्दा? गुड क्वेश्चन मेमोरी। पर्दा तो तभी उड़ता है ना जब शो शुरू होने वाला होता है, तो अभी शो शुरू होने में थोड़ा वक्त है ओके? क्योंकि अगर पर्दा उठ गया तो हंगामा हो जाएगा। तो क्या आप सब हंगामे के लिए तैयार हैं? आखिर नंदन शो के बहाने क्या दिखाना चाहता है? नंदन क्या सरप्राइज देना चाहता है कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर प्यार क्या है? कैसी पहेली है ये प्यार? कितने रूप हैं इस प्यार के? आज मैं लेकर आया हूं प्यार को उसके असली चेहरे के साथ, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि न जाने ये प्यार ने कितने चेहरे चढ़ा रखे हैं अपने चेहरों पर। जी मालकिन। बेटा समदन जी कहाँ हैं? जी वो तो सुल्तानगंज चली गई हैं। एक काम करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले, अभी नंदन की पार्टी में जाना है, जा। जी मालकिन। आपको क्या लगता है कि प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जो आपके अंदर एक्साइटिंग फीलिंग्स, रोमांचक एहसास पैदा कर देता है, राइट पप्पी? या प्यार वो होता है जो आपके अंदर ताकत भर देता है, एक ऐसे भ्रम से भरा एहसास जिसके बलबूते आप पूरी दुनिया से भीड़ से जाते हैं। नहीं, मैं बताता हूं, प्यार कभी ना खत्म होने वाला भूल भुलैया है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसकी शुरुआती गलियां आपको एक्साइट तो करेगी, लेकिन आप जितना भीतर जाएंगे उतना ही खोते जाएंगे। क्या हो गया, आप सब कंफ्यूज हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यू नो, क्योंकि जो लोग कहते हैं प्यार सच्चा है, उन्हें भला कैसे पता कि सच भी तो एक भ्रम है। तो आइए दूर कर दे हर भ्रम, झूठे प्यार की कसम। कम ऑन गाइस, आज वैलेंटाइन डे है यार। जैसा कि मैंने कहा था, आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का दिन, और प्यार पर सबका हक होता है। तभी तो प्यार की कहानी का असली मजा आएगा। सुमन, एक काम करो, जब तक मैं परफॉर्म कर रहा हूं तुम बिग बी के साथ पैर बना लो। सॉरी तान्या भाभी, वो हम भूल जाते हैं कि आप बिग बी के लाइफ पार्टनर हैं। चाय? कौन? कौन चीचू? कम जा करी।
मोहब्बत के काबिल नहीं। तेरे सीने में लगता है दिल नहीं, तू मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं। भैया थोड़ा जल्दी चलो ना, ये सनेवा पहुंचने से पहले पार्टी खत्म हो जाए। So, आज का मेरा ये डांस परफॉर्मेंस उन लव कपल्स के लिए जो प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार में अंधे हो जाते हैं। तो उन सभी के लिए ये मेरा डांस परफॉर्मेंस बस एक मैसेज की तरह था कि प्यार तो करो लेकिन बी अलर्ट। लेकिन हमारी लव स्टोरी ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्यों सुमन? सही कहा ना? ले आओ भाई। प्लीज क्या मन बैठो कमान क्या? कर्ज का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना बिग बी, आप और भाभी प्लीज। सिट प्लीज। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। आज वैलेंटाइंस डे पे मैं सभी के सामने सब कुछ सही कर दूंगा। आज वैलेंटाइंस डे और हमारी संस्कृति का मिलन होगा। आज इसी वक्त यहां पे इसी स्टेज पे जयमाला होगा। एक भी आइए बैठिए। So, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब वर अपने वधू के गले में वरमाला पहनाएंगे। बिग बी बड़े हैं तो सबसे पहले बिग बी आप। मैं आपका हेल्प करता हूं कि वेट ये लीजिए। Come on. Hmm?
भवी है आपके लिए। कौन? हे भोलेनाथ, ये नंदन, ये नंदन क्या अनर्थ करने जा रहा है? हे ईश्वर, किसी तरह ये अनर्थ मत होने दीजिए। ऐसे में तो आप गलत लाइफ पार्टनर चुन लेंगे। तानिया भाभी वो वाय क्या को? They didn't know.